सब्सक्राइब करें टेक इन्फो चैनल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इन्फो। दोस्तों आज हम विंडोज 10 के बारे में बात करेंगे। उसमें मतलब एक प्लेयर हमें इंस्टॉल करना है। इसमें आपको पता है दोस्तों, विंडोज मीडिया प्लेयर नहीं है, उसकी जगह अपने प्लेयर वगैरह आते हैं जो कि हर किसी को समझ में नहीं आते हैं और इतने खास भी नहीं लग रहे हैं हमें। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप दोस्तों विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा मैं आज आपको प्लेयर बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, हम वो प्लेयर नेट से डाउनलोड करते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद दोस्तों, ये हमारा गूगल ओपन हो गया है। अब इसमें हम लिखेंगे कैम प्लेयर। दोस्तों हम कैम प्लेयर इसमें लिखेंगे और फार पीसी ये लिख लेंगे। तो ये दोस्तों आ गया है, देखो देखे दोस्तों पीसी कैम प्लेयर। तो सबसे पहले आपको इधर जाना है कि इस ये जो इनका कैम प्लेयर वालों का जो वेबसाइट है, इसमें आप 64-bit वाला जो कैम प्लेयर होगा, अगर आपके पास सिस्टम में 64-bit इंस्टॉल है तो आप 64 वाला डाउनलोड करें, नहीं तो वो आप 32-bit वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों लास्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा इधर। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों अभी दोस्तों यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कैम प्लेयर लेटेस्ट वर्जन। तो इस पर अभी दोस्तों हम क्लिक करेंगे और देखते हैं कि हमारा कैम प्लेयर डाउनलोड होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो हम इसे कहीं दूसरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरी मेथड से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर दोस्तों ये मेरे ख्याल से हो जाएगा इधर से ही डाउनलोड। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं जो हमारे पास ये डाउनलोडिंग वाला पॉपअप आ चुका है IDM वाला, तो हम इसे लगाते हैं डाउनलोडिंग में और फिर इसे इंस्टॉल करेंगे। अभी दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों विंडोज 10 में तो और ज़्यादा प्लेयर हैं, लेकिन वो प्लेयर हमें इतने खास नहीं लग रहे हैं। मैंने यूज़ किए हैं बहुत टाइम, लेकिन उनमें इतना इक्वलाइजर और इतना साउंड वगैरह अच्छा हमें नहीं आता है। तो इसकी वजह से मैं आज आपको ये कैम प्लेयर का मशवरा दे रहा हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह विंडोज 10 के जो प्लेयर हैं उनमें अच्छा नहीं लगता है, तो आप ऐसे करके आप कैम प्लेयर डाउनलोड करके उस पर अपना मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये अभी डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद मैं इसे इंस्टॉल करूँगा और इसमें आपका जो भी इंटर लुक होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से डाउनलोडिंग के बाद इंस्टॉल होता है और क्या चीज़ें इसमें होती हैं। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं पहले भी इसे बहुत मरतबा यूज़ कर चुका हूँ। ये एक अच्छा प्लेयर है दोस्तों, आप इसे यूज़ करें। और वो जो विंडोज 10 वाले प्लेयर हैं उनमें इतना खास मज़ा नहीं है। अगर किसी दोस्त को समझ में आती है तो सही है, अगर हमें तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें उनमें मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो अभी दोस्तों ये मेरा प्लेयर डाउनलोड हो जाए, मैं इसका आपको इंटर लुक दिखाता हूँ। तो ये दिखने में ये प्लेयर कैसा है, और इनमें दोस्तों इक्वलाइजर वगैरह एक बार आप सेव कर लेंगे बिल्कुल हो ही आएंगे। हर मरतबा के विंडोज 10 वाले प्लेयर की तरह नहीं आएंगे कि बार बार जो है इक्वलाइजर बदल जाएँ और बार बार ये मसले मसाइल हों। इसमें आप एक चीज़ एक मरतबा फिट कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह सेव हो जाएगी इसमें। तो ये दोस्तों अभी डाउनलोड होने वाला है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि इसका इंटरफेयर कैसा है। तो अभी दोस्तों ये डाउनलोडिंग हो रहा है आपके सामने। बहुत ही दोस्तों एक अच्छा प्लेयर है, मुझे इस प्लेयर के बारे में पहले पता था, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया इतना। पहले विंडोज़ मीडिया प्लेयर ही यूज़ करते रहे थे, अब विंडोज़ 10 आई है तो उसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर है ही नहीं, तो अब हम कैम प्लेयर यूज़ करेंगे और विंडोज़ 10 के जो भी प्लेयर हैं हम वो यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे तो वो प्लेयर अच्छे नहीं लगते हैं, ताकि मैंने उसके लिए वीडियो बनाई कि मेरे सब्सक्राइबर को भी पता लग जाए कि ये कैसा एक अच्छा प्लेयर है। तो अभी दोस्तों ये देखें डाउनलोड हो गया है और ये अभी जा रहा है इंस्टॉल होने। तो दोस्तों अभी ये इंस्टॉल होने जा रहा है, इसके बाद ये इंस्टॉल होगा तो मैं इसका आपको इंटर लुक भी दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अभी दोस्तों ये हो रहा है इंस्टॉल, इंस्टॉल हो चुका है अभी दोस्तों, इंस्टॉल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, देख रहे हैं दोस्तों अभी।
तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका इंटरफेयर ये कैसा है प्लेयर। अभी दोस्तों ये इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा प्लेयर है दोस्तों। अगर आपको भी ये यूज़ करना है तो आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दोस्तों कुछ परमिशन मांग रहा है, ये आप दे दीजिएगा। ये विंडोज़ 10 में कुछ चीज़ें हैं कुछ नहीं है, तो उसके लिए ये परमिशन मांग रहा है कि वो चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, तो उसके बाद ये प्लेयर आपका वर्क करना लग जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों फिनिश हो चुका है, अभी दोस्तों ये इसका इंटरफेयर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, आप देखेंगे इसका इंटरफेयर। तो अभी हम ये वेबसाइट बंद कर लेते हैं इनका, और ये कुछ मैसेज पॉपअप पे दे रहा है, इसमें फ़िलहाल हमारा काम नहीं है दोस्तों। ये है गेम प्लेयर, आप इसकी अब लुक चेक कर सकते हैं, और इसमें आप फुल स्क्रीन वगैरह, और यहाँ से दोस्तों इसका जो है आप इक्वलाइजर वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों देखिए इसका कितना बेहतरीन इक्वलाइजर है, ये हर चीज़ इसका सेट होता है, और इसमें और भी स्किन वगैरह लग सकते हैं, और भी थीमें वगैरह लग सकते हैं। एक दोस्तों बेस्ट प्लेयर है, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको, इसके कमांड भी बहुत अच्छे हैं, और इसमें इसके कमांड मल्टीमीडिया के हिसाब से बने हुए हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों आज का अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो ये गेम प्लेयर डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।